जी न्यूज मतलब सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी जी न्यूज की शान। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि आखिर सुधीर चौधरी जी में क्यों नहीं है। तमाम देश के दर्शक जो उन्हें देखते थे, जो जी के बड़े फैन थे, यानी सुधीर चौधरी के बड़े फैन थे, उनके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर जी से सुधीर चौधरी कहां गायब हो गए हैं। क्या सुधीर चौधरी को निकाल दिया गया है, या वो खुद निकल गए हैं, या फिर किन कारणों से जी से सुधीर चौधरी को अलग होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आपको बताऊंगा इस मामले में आखिर क्या बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सुधीर चौधरी एक न्यूज इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, मीडिया में एक बड़ा नाम है। जी का मतलब सुधीर चौधरी और उनका शो डीएनए जो कि देश भर में मशहूर था, खूब टीआरपी भी थी। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ जो इतने सालों से जी से जुड़े रहे और अब उन्हें अलग होना पड़ा। तो आप सोचिए कि आखिर यह खबर कहां से निकली। खुद इस चैनल में काम करने वाले कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की गई है और उनसे ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जो जी न्यूज से सुधीर चौधरी को निकाला, या फिर सुधीर चौधरी को जी न्यूज छोड़ना पड़ा। क्योंकि बात सवाल लाजमी है कि तमाम बहुत साल हो गए, दशकों से सुधीर चौधरी जी से जुड़े हुए हैं और अब आखिर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एक न्यूज लॉन्ड्री जो वेबसाइट है उसने बात करने की कोशिश की है जी न्यूज के कर्मचारियों से, ताकि सच आपके सामने लाया जा सके और सच कारणों का, असल जो कारण है वो पता लग सके कि आखिर सुधीर चौधरी ने किन कारणों से जी को अलविदा कहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तमाम क्यास लगाए जा रहे थे क्या कि सुभाष चंद्रा जो कि चुनाव हार गए हैं, कि उस हार का खामियाजा सुधीर चौधरी ने भुगता है, यह भी एक आइडिया था। लेकिन अब कर्मचारियों से जो बात हुई है उसमें क्या खुलासा हुआ है, मैं आपको वो बता दूं। देखिए, सबसे पहले जो बात सामने आई है कर्मचारियों से की गई है और न्यूज लॉन्ड्री के अनुसार, कि सुभाष चंद्रा को यह लगने लगा था कि जी का मतलब अब सुधीर चौधरी हो गया है, जी की पहचान सुधीर चौधरी हो गए हैं, इसलिए वो काफी समय से उन्हें साइड में करने लगे थे। वहीं जी में काम करने वाले चीफ कंटेंट ऑफिसर रजनीश आहूजा, जो कि उनकी भी ताकत बढ़ी है, और इन दोनों में तकरार होने लगी, एक दूसरे की ताकत दिखाने की। चीफ कंटेंट ऑफिसर जो कि रजनीश आहूजा हैं, वो किसी और चैनल से आए थे और वो अपनी टीम को यहां लाना चाहते थे। ये देखकर सुधीर चौधरी को धीरे धीरे फर्क लगने लगा, धीरे धीरे पता लगने लगा कि अब उनके साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा है, सुधीर चौधरी को एहसास होने लगा। इसीलिए हफ्ते भर पहले ही उनसे उनका शो डीएनए ले लिया, जो कि अब कोई और होस्ट कर रहा है। डीएनए लेने के पीछे उन्हें आखिरी अपने एपिसोड में आपने देखा होगा, जिसमें वो महाराष्ट्र की रिपोर्टिंग करते हुए आए थे। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने जो सवाल उठाया था सरकार पे, वो भी एक कारण माना जा रहा है। और अब सवाल ये कि आखिर जब ये रजनीश आहूजा आए तो इनसे इनकी भी तकरार होने लगी, और उसके बाद सुधीर चौधरी को ये लगने लगा कि अब मुझे साइड हो जाना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्रा भी यही चाह रहे थे और एक के बाद एक कदम ऐसा उठा रहे थे जिससे सुधीर चौधरी अलग हो सके, क्योंकि वो उन्हें साइड करना चाहते थे। उन्हें लगने लगा था कि अब जी जो कि ब्रांड है, और इस मामले में सुभाष चंद्रा ने कहा भी था या फिर उन्होंने ट्वीट भी किया था कि एक ब्रांड की पहचान एक व्यक्ति नहीं है। आखिरी में आके सुधीर चौधरी को यह लगने लगा कि अब बेहतर है कि मैं खुद ही चला जाऊं, और इसी के चलते सुधीर चौधरी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है, सुधीर चौधरी ने जो कहा था अपने रिजाइन के साथ साथ, कि वो चाहते हैं कि वो एक दूसरा चैनल खोलें, एक दूसरा नया चैनल लाएं जिसमें वो काम करेंगे, यानी वो खुद का चैनल भी ला सकते हैं। ये भी सवाल दर्शकों के मन में उठ रहे हैं, जो उन्हें देखते हैं, जो जिनका डीएनए जो शो है, जो उनका फेवरेट रहा है, सुधीर चौधरी को देखते हैं, वो लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि सुधीर चौधरी ये भी चाहते हैं कि वो एक अपना अलग चैनल लाएं, लेकिन कब चैनल लाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और चैनल का नाम क्या होगा ये भी अभी कुछ नहीं पता। केवल इतना पता है कि सुधीर चौधरी ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और वो चाहते हैं कि एक नया वेंचर खुद का स्टार्ट करें, नया चैनल खुद का लाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।